हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनएसके मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्लासेस। आज का टॉपिक है कैटलेज टेस्ट। आज हम कैटलेज टेस्ट के बारे में जानेंगे और उसके प्रिंसिपल के बारे में, उसके यूजेस के बारे में, उसका क्या प्रोसीजर होता है और लास्ट में क्या रिजल्ट मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि क्या होता है कैटलिस्ट टेस्ट। तो कैटलिस्ट टेस्ट हम लोग क्यों यूज कर कैटलिस्ट टेस्ट हम लोग क्यों लैब में लगवाते हैं? तो कैटलिस्ट टेस्ट इसलिए हम लोग लगवाते हैं क्योंकि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि कैटलिस्ट एंजाइम का प्रोडक्शन करते हैं। तो जो जो बैक्टीरिया कैटलिस्ट एंजाइम्स को प्रोड्यूस करेगा वो कैटलिस्ट पॉजिटिव होगा। क्योंकि कैटलेस क्या करता है, जब कैटलेस की रिएक्शन हम H2O2 के साथ करवाते हैं, H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड, इस H2O2 के साथ हम जो भी बैक्टीरिया हमारा है, अब वो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, कैटलेस एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये कैटलेस के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, बबल्स प्रोड्यूस करता है और हमें पता लग जाता है कि ये ऑर्गेनिज्म कैटलेस एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टेस्ट को हम लोग इसलिए लगाते हैं, जो भी बैक्टीरिया कैटलेस एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं वो H2O2 के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं, बबल प्रोड्यूस करते हैं। और इसका एक मेन यूज जो पूछा जाता है कि इसका यूज किस लिए होता है, तो इसका यूज हम लोग बैक्टीरिया के आइसोलेशन में करते हैं। मतलब कुछ बैक्टीरिया हमारे जो होते हैं वो स्टेफाइलोकोकाई होते हैं, कुछ स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कैटलेस टेस्ट लगाते हैं। क्योंकि स्टेफाइलोकोकाई क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपी अगर हम करते हैं तो स्टेफाइलोकोकाई जो प्रेजेंट होते हैं वो क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और कुछ जो स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, वो चेन में प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से चेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इन दोनों को हम माइक्रोस्कोपी में तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा स्टेफेलोकोकस है या कौन सा स्ट्रेप्टोकोकस है। तो उसके लिए हम कैटलेस टेस्ट लगा के ये पता लगा लेते हैं कि हाँ ये स्टेफेलोकोकस है और ये स्ट्रेप्टोकोकस है। क्योंकि स्टेफेलोकोकस जो होता है वो कैटलेस एंजाइम प्रोड्यूस करता है और बबल का प्रोडक्शन करता है, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है, उसमें कोई भी बबल्स का प्रोडक्शन नहीं होता है। जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो हम लोग यूज करते हैं वो कितने परसेंट जो यूज करते हैं, रूटीन में 3% H2O2 का यूज करते हैं, जो भी होता है वो 3% H2O2 होता है। जबकि 15% यूज जो H2O2 का जो यूज किया जाता है वो एनरोब बैक्टीरिया के लिए करते हैं। एनरोब बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जिनमें जिन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं ग्रो करते हैं, मतलब ऑक्सीजन उनको नहीं चाहिए होती है, वो एनरोबिक होते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, क्या होता है कैटलिस्ट टेस्ट का प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल में एंजाइम कैटलेज इसी का काम है, जो कैटलेज एंजाइम है वो क्या करता है, जब हम H2O2 की ड्रॉप स्लाइड पे डालते हैं, जैसे हमने स्लाइड ली और इस स्लाइड पे हमने H2O2 का ड्रॉप डाला, ठीक है, और बैक्टीरिया की कॉलोनी, ये कल्चर प्लेट ली है और इस कल्चर प्लेट पे बैक्टीरिया की कॉलोनी प्रेजेंट है, इस कॉलोनी को हमने लूप से उठाकर इस H2O2 पे मिक्स किया, और मिक्स करने पर अगर बबल का प्रोडक्शन आ गया यहाँ पर, तो क्या हो गया कि वो क्या है, बबल प्रोड्यूसिंग, मतलब वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, जो भी बैक्टीरिया है, अगर बैक्टीरिया में कैटलेज एंजाइम है तो वो कैटलेज एंजाइम H2O2 को ब्रेक कर देगा, मतलब H2O2 को तोड़ देगा। H2O2 को तोड़ कर किसमें तोड़ कर क्या कर देगा, H2O2 अलग बना लेगा और ऑक्सीजन अलग बना लेगा, यानी H2O2 आपका क्या रिलीज करेगा, हाँ ऑक्सीजन रिलीज करेगा और वाटर रिलीज करेगा। तो H2O+ नेसेंट ऑक्सीजन निकालता है, खाली ऑक्सीजन, ठीक है, ओ इसको रिलीज कर देता है, मतलब ये निकाल देता है। द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम इन अ बैक्टीरियल आइसोलेट इज एविडेंट व्हेन अ स्मॉल इनोकुलम इज इंट्रोड्यूस इनटू हाइड्रोजन परऑक्साइड। जो भी हमने बताया आपको कि इनोकुलम से हम जो लूप है उससे हम बैक्टीरिया कॉलोनी को पिक करते हैं और उसको फिर हम जो है H2O2 में मिक्स करते हैं। ठीक है, अगर कैटलेज एंजाइम प्रोड्यूसिंग है बैक्टीरिया तो वो क्या करेगा, बबल्स दे देगा। यहाँ पे ऑक्सीजन बबल्स अकर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन है ऑक्सीजन बबल्स अकर्स। ठीक है, लैक ऑफ कैटलिस्ट इज इविडेंट बाय अ लैक ऑफ फॉर अ वीक बबल प्रोडक्शन। हाँ, कम भी हल्के भी बबल का प्रोडक्शन होता है, अगर कम कैटलिस्ट एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर हल्के बबल्स आएंगे, वीक आएंगे, ज्यादा स्ट्रांग नहीं आएंगे, जो जल्दी तुरंत आ जाते हैं तो वो नहीं आएंगे।
कल्चर शुड नॉट बी मोर देन 24 आवर्स होल्ड. बैक्टीरिया देर बाय प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द लीथल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड विच इज एक्युमुलेटेड एज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं लीथल इफेक्ट से. ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का इफेक्ट जो होता है वो उनके लिए लिथल हो जाता है. ठीक है, क्या करते हैं, इस प्रकार बैक्टीरिया जो होते हैं वो हाइड्रोजन परऑक्साइड से बचने की कोशिश करते हैं. ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के फॉर्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का जो एंड प्रोडक्ट बनता है उसके फॉर्म में ये एक्युमुलेट हो जाते हैं. नेक्स्ट कैटलिस्ट, इसका क्या पर्पस है और इसका क्या यूजेस है, तो यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल कैसे होते हैं. ये एंट्रोकोकस होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिसपेल हो गया है. एंट्रोकोकस और यहाँ पे एंट्रोकोकस और लगा हुआ है, तो एंट्रोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं. एंट्रोकोकस मतलब डिप्लोकोकाई हम कह सकते हैं, जो दो कोकाई होते हैं, और स्ट्रेप्टोकोकस जो होते हैं वो चेन के फॉर्मेशन में होते हैं, ऐसे पड़े होते हैं इस तरीके से. तो ये दोनों ही कैटलिस्ट नेगेटिव होते हैं. ठीक है, और जो स्टेफाइलोकोकस होता है वो कैटलिस्ट पॉजिटिव होता है. तो यही दो मेन एग्जांपल पूछे जाते हैं कि कैटलिस्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं कि स्टेफाइलोकोकस है. अगर कहते हैं कैटलिस्ट नेगेटिव का बताइए, तो स्ट्रेप्टोकोकस या फिर एंट्रोकोकस है. ठीक है, दूसरा है कि इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एरोबिक, इसके अलावा ऑब्लिगेट एनएरोबिक बैक्टीरिया के फॉर्म में. तो यहाँ पे बात करते हैं कि एरोबिक और ऑब्लिगेट एनएरोबिक क्या होता है. हाँ, यहाँ पे ऑब्लिगेट के बारे में बात कर लेते हैं, एरोबिक और एनारोबिक के बारे में बात कर लेते हैं. तो जो एरोबिक होते हैं उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, एरोबिक को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, बट एनारोबिक जो होते हैं उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ऑब्लिगेट का मतलब यहाँ पर होता है स्ट्रिक्टली, मतलब उनको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं है. ठीक है, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट ये करता है कैटलिस्ट. सेमी क्वांटिटी कैटलिस्ट, इसका यूज हम लोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि ट्यूबरक्लोसिस कराता है, टीबी कराता है, उसके आइडेंटिफिकेशन में भी हम सेमी क्वांटिटी कैटलिस्ट यूज करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को आइडेंटिफाई करने में. इसके अलावा और किसको डिफ्रेंशिएट कर सकता है, ये क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई जो टेटनस कराता है, इसके अलावा पोफ्रेंजिस भी होता है, और जो कि क्या होते हैं कैटलिस्ट नेगेटिव होते हैं. बैसिलस की कुछ स्पीशीज हैं जो कैटलिस्ट नेगेटिव हो, बैसिलस की स्पीशीज जो क्या होती हैं कैटलिस्ट पॉजिटिव होती हैं, और जो हमारा कैटलिस्ट नेगेटिव है वो क्लॉस्ट्रीडियम है. ठीक है, कैटलिस्ट इसका हम लोग यूज जो करते हैं वो एंटोबैक्टीरिसी फैमिली के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको, उनके लिए भी ये टेस्ट को लगाया जाता है उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए. कैटलिस्ट इसका प्रोसीजर यहाँ पे पढ़ेंगे क्या वन बाय वन. तो जो प्रोसीजर होता है वो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप है. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं. ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, 1 से 2 ml 1 to 2 ml हम इसमें डालते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 डाल देते हैं. 1 to 2 ml इसमें H2O2 डालते हैं. उसके बाद एक स्टराइल वुडन स्टिक हमें चाहिए है, तो वुडन स्टिक हम लेंगे, वुडन स्टिक लेंगे, और उस वुडन स्टिक से या फिर ग्लास रॉड भी ले सकते हैं. ठीक है, तो जो हमारे पास कल्चर प्लेट है उस प्लेट पे जो कॉलोनीज प्रेजेंट हैं, जो 24 आवर्स इनक्यूबेशन के बाद हमें मिली हैं, उसको हम इस स्टिक से पिक करेंगे और इसको उठा के हम इसमें डाल देंगे, इनोकुलम कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद हम उसमें बबल्स देखेंगे कि बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. अगर हो रहे हैं तो कैटलिस्ट पॉजिटिव है, यानी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है. नेक्स्ट स्लाइड मेथड पढ़ेंगे, वो तो ट्यूब मेथड हमने आपको बताया था. तो स्लाइड मेथड में क्या करते हैं, स्लाइड मेथड में हम लोग एक स्लाइड लेते हैं और उस स्लाइड के ऊपर हम 3% H2O2 के एक ड्रॉप डालते हैं, और स्टराइल वुडन स्टिक से हम स्मॉल अमाउंट कॉलोनी जो कि कल्चर प्लेट से उठाते हैं और यहाँ पर मिक्स करते हैं. मिक्स करने के बाद देखते हैं बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. तो बबल्स अगर प्रोड्यूस होते हैं तो कैटलिस्ट पॉजिटिव है. इस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट की पिक्चर्स दिखाई गई हैं कैसे कैटलिस्ट बबल्स प्रोड्यूस हो रहा है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बबल्स प्रोड्यूस हो रहा है, ये स्लाइड मेथड है जिसमें कैटलिस्ट पॉजिटिव दिखाया है, और ये ट्यूब मेथड है इसमें ये बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ये कैटलिस्ट पॉजिटिव है. तो ये स्टेफाइलोकोकस है और ये स्ट्रेप्टोकोकस है, ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बैक्टीरिया को.
इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ कैटलिस्ट दिस एंड एग्जांपल्स कौन कौन से हैं जो कैटलिस्ट पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया कैटलिस्ट नेगेटिव होते हैं। तो पॉजिटिव में जो बबल्स प्रोड्यूस करते हैं एक्टिवली स्ट्रॉन्गली, तो वो है स्टेफाइलोकोकाई, माइक्रोकोकाई, लिस्टेरिया, कुरैनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो डिप्थीरिया कराता है। इसके अलावा एक और बैक्टीरिया है बर्कोल डेरी सिपेशिया नुकार्डिया। एंट्रोबैक्टेरियस के कुछ हैं जैसे कि एकोलाई, एंट्रोबैक्टर, साइट्रोबैक्टर, क्लैप्सिला, शिजेला, इर्सीनिया, प्रोटियस, साल्मोनेला, सुरेशिया। स्यूडोमोनास भी कैटलिस्ट पॉजिटिव होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एस्परजिलस, एस्परजिलस, क्रिप्टोकोकस और इसके अलावा रोडोकोकस इक्वाई। नेगेटिव में नो और फ्यू बबल्स प्रोड्यूस होंगे, कुछ ही बबल्स वीकली बबल्स प्रोडक्शन होगा जैसे स्ट्रेप्टोकोकस और एंट्रोकोकस स्पीशीज में। क्वालिटी कंट्रोल कैटलिस्ट इसके लिए हम कंट्रोल का जो यूज करते हैं तो वो हम ATCC 3592 ATCC स्ट्रेन यूज करते हैं कंट्रोल लगाने के लिए, और नेगेटिव के लिए जो यूज करते हैं ATCC का 29212 का स्ट्रेन यूज करते हैं एंट्रोकोकस 45 का। नेक्स्ट प्रिकॉशन, कैटलिस्ट टेस्ट लगाते समय में क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। तो टेस्ट ऑर्गेनिज्म शुड नॉट बी टेकन फ्रॉम ब्लड अगर कल्चर, हमें ब्लड अगर कल्चर प्लेट से नहीं लेना है क्योंकि रेड ब्लड सेल्स आ सकती हैं इसलिए, और फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट लग सकता है। कल्चर जो होगा वो 18 से 24 घंटे का होना चाहिए, 24 घंटे के बाद जो कॉलोनीज आएंगी उससे हम कॉलोनी को पिक करेंगे। हाइड्रोजन परऑक्साइड फ्रेश बना होना चाहिए और आयरन और वायर लूप का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन हो सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो परऑक्सीडेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का ब्रेक डाउन कर देते हैं और रिएक्शन जो देते हैं वीकली पॉजिटिव देते हैं, तो कुछ ही बबल्स प्रोड्यूस होते हैं ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि हाँ ये पॉजिटिव है। और डू नॉट एड ऑर्गेनिज्म टू रिएजेंट पर्टिकुलरली इफ आयरन कंटेनिंग इनोकुलेटिंग लूप्स आर यूज्ड, आयरन कंटेनिंग लूप्स विल कॉज फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट। तो ध्यान देना है कि हमें आयरन कंटेनिंग कोई भी इनोकुलम लूप्स का यूज नहीं करना है क्योंकि वो फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।